देश में पिछले साल 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गोवंशों में लंपी डिजीज यानी ढेलेदार त्वचा रोग के फैलने से 1.5 लाख से अधिक मवेशियों की मौत हो गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक विशेष रणनीति तैयार कर इस बीमारी को काबू में पाने की कामयाबी हासिल कर ली गई है, जिसके लिए 320 किलोमीटर का इम्यून एरिया यानी प्रतिरक्षा पट्टी विकसित की गई है। दरअसल गोवंशों में फैलने वाले लंपी डिजीज पिछले साल यूपी में 32 जिलों से आगे नहीं बढ़ सका, हालांकि इस वायरस ने कई प्रदेशों में अपना कहर बरपाया था। आखिर उत्तर प्रदेश ने ऐसा क्या किया कि जो यह बीमारी ने महज कुछ जिलों में फैलने के बाद दम तोड़ दिया, या शासन प्रशासन ने इस वायरस पर काबू पाकर आगे बढ़ने से रोक दिया था? इसको लेकर पशुपालन विभाग में डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर तरुण कुमार तिवारी बताते हैं कि प्रदेश में कुल 1,12,201 गोवंश लंपी वायरस से प्रभावित हुए थे, जिनमें से कुल 655 गोवंशों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य को बचा लिया गया। वहीं अगर कुल वैक्सीनेशन की बात करें तो कुल 1,57,87,470 डोज पशुओं को दी गई थी। दरअसल लंपी डिजीज की रोकथाम को लेकर सितंबर में बनाई गई इम्यून बेल्ट की वजह से प्रदेश में यह केवल 32 जिलों में ही फैलने के बाद तोड़ गई थी। इसको लेकर शाहजहांपुर के चीफ वेटनरी ऑफिसर जयप्रकाश बताते हैं कि जिले में 56 टीमों ने उस दौरान काम किया था। शाहजहांपुर उन जिलों में शामिल था जहां से इम्यून बेल्ट निकली थी, जिसमें पीलीभीत, शाहजहांपुर, फैजाबाद, मैनपुरी और इटावा जिलों के 23 ब्लॉकों में गोवंशों की आबादी का महज कुछ ही समय में वैक्सीनेशन कराया गया था, जिसका परिणाम है कि गोवंशों में लंपी वायरस ने दम तोड़ दिया। इस वायरस को रोका जा सकता है, काफ़ी हद तक इसको रोका जा सकता है, क्योंकि बेल्ट हम जो है मिनिमम 10 किलोमीटर के दायरे में बना रहे हैं। वहाँ से जो दूसरे जिलों में बीमारी है वो यहाँ ना आए, तो 10 किलोमीटर हमारा इधर, 10 किलोमीटर दूसरा जिला जो पास वाला है, 20 किलोमीटर को हम अगर सुरक्षित कर लेंगे तो उम्मीद है कि बीमारी क्रॉस करके दूसरे जिलों में नहीं फैलेगी। जैसे आपने अगर देखा होगा, अगर जंगल की आग बुझाना होता है तो कुछ दूरी किलोमीटर दूर पे वहाँ से झाड़ी और जो पेड़ साफ कर दिए जाते हैं, जिससे वहाँ आके वो ऑटोमेटिक बीमारी आग जो है वो समाप्त हो जाती है। तो उसी उद्देश्य से कि बेल्ट 20 किलोमीटर की बनाई जा रही है कि जिससे वायरस उसको क्रॉस नहीं करेगा और बाकी सभी गोवंश हमारे स्वस्थ रह सकेंगे। आपको खुद सर फील्ड पे अभी कितना समय देना पड़ रहा है? फील्ड पे ज़्यादातर सुबह से शाम तक ही रहते हैं और क्लोज वॉच करते हैं, लोगों की समस्याओं का हल करते हैं, घरेलू उपचार भी बताते हैं, जहाँ हमें अंग्रेजी उपचार या उसकी जरूरत होती है उसको उपचार कराते हैं। 56 टीम हमारी इस समय टीकाकरण में लग रही है।